સદા સાકાર દર્શન કરે તે સૌ થાય નિર્વિકાર દિવ્ય મૂર્તિ તમારી સદા સાકાર દર્શન કરે સૌ થાય નિર્વિકાર સાચું દર્શન કર્યું ત્યારે કહેવાય જો સાચું દર્શન કર્યું ત્યારે કહેવાય જો હેતે કરીને તારું વચન મનાય હે ગુરુદેવ એવું માંગું હું સદાય હે ગુરુદેવ એવું માંગું હું સદાય સ્વામીને શ્રીજી આજ યોગી રૂપ છો સૌના જીવન પ્રાણ સાધુ રૂપ છો ચૈતન્ય તેજ પુંજ તું છે અખૂટ ફેલાવે રશ્મિ તૂટ તું તો અટૂટ ચૈતન્ય તેજ પુંજ તું છે અખૂટ ફેલાવે રશ્મિ જ્યોત તું તો અટૂટ તેમાંથી નાનકડું કિરણ હું યાચું તેમાંથી નાનકડું કિરણ હું યાચું તેના જ વાળે તારા મારા છું હે ગુરુદેવ એવું માંગું હું સાચું હે ગુરુદેવ એવું માંગું હું સાચું સ્વામીને શ્રીજી આજ યોગી રૂપ છો સૌના જીવન પ્રાણ સાધુ રૂપ છો જીવન સમર્પણ કરીએ અમે લેતા કઈ બાકી ના રાખશો તમે
જીવન સમર્પણ કરીએ અમે લેતા કઈ બાકી ના રાખશો તમે તલમાં જેમ તેલ છે ફૂલમાં ફોરામ છે તલમાં જેમ તેલ છે ફૂલમાં ફોરામ છે તારી સુવાસ બની રહીએ અમે હે ગુરુદેવ એવું માંગો આ સમે હે ગુરુદેવ એવું માંગો આ સમે સ્વામીને શ્રીજી આજ યોગી રૂપ છો સૌના જીવન પ્રાણ સાધુ રૂપ છો અદ્ભુતમાં તમે અનુપ છો દુઃખ હરનાર તમે સુખ રૂપ છો દુઃખ હરનાર તમે સુખ રૂપ છો દુઃખ હરનાર તમે સુખ રૂપ છો સજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય પૂજ્ય પુરી અંકલ સે પ્રાર્થના હૈ કે વે સભા મે આજ બાત કરે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય કાકાજી મહારાજ કી જય પપ્પાજી મહારાજ કી જય સ્વામીજી મહારાજ કી જય પરમ પૂજ્ય ગુરુજી મહારાજ કી જય પરમ પૂજ્ય ગુરુજી સૂર્યસ્વામી સંત મંડળ પરમ પૂજ્ય દીદી વે ઉપસ્થિત સભી ગુણાતીત સમાજ કે ભાઈઓ બહેનો કો મેરા હાર્દિક જય સ્વામિનારાયણ જૈસે ગુરુજી અક્સર કહા કરતે હૈ કે યે સબ એક પરિવાર હૈ તો ઉસકો પરિવાર માનતે હુએ મે આપ લોગો કી ઇન્ફોર્મેશન ઓર સેટિસ્ફેક્શન કે લિયે કુછ બાત કરના ચાહતા હું પરસો કી સભા મે મેરે બડે સાનેલા નવીન ખન્ના वो परिवार के साथ आए थे मुझे उन्होंने कहा कि पापा बड़ी विंड फॉर्मेशन बहुत हो रही है और एसिडिटी भी बहुत है जैसे हम सभी लोग थोड़ी थोड़ी डॉक्टरी खुद करते हैं कुछ दूर सामने से आ जाती है सभी ने कहा अजवाइन खा लो नमक वाल के साथ मिला के सोडा पी लो ये कर लो वो कर लो सभा के बाद घर गए घर में भी वही जो देसी टोटके होते हैं वो जैसे तैसे दो दिन निकले कल रात को वही विंड फॉर्मेशन एसिडिटी ये वो करते करते सारी रात निकाली और मुझे फ़ोन आया वंदना का कि पापा नवीन जी की तबीयत मुझे कुछ अच्छी महसूस नहीं हो रही तो क्या करना है मैंने उसको कहा कि बेटा तू तो गुरुजी में और काका जी में इतना बिलीव करती है कि हर स्टेप पर उनकी इच्छा के विपरीत कोई तू ऐसे कर दस मिनट के लिए धुन कर काका जी की गुरु जी की मूर्ति जो है उसके सामने बैठ के दस मिनट के फिर तुझे जो सूझ आए वैसे करना समय जो सुबह सुबह का समय था गुरुजी विश्राम में थे दस मिनट के बाद उसने कहा कि पापा मुझे लग रहा है कि मुझे
नवीन जी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। सुबह 4:30 बजे डॉक्टर कृष्णामणि को उसने फ़ोन करके जगाया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे पापा आपके पेशेंट हैं और आपको रेफरेंस बताने के लिए स्वामीनारायण मंदिर से का रेफरेंस देके वो आपके पास आए थे। उसने डॉक्टर भी भला आदमी, उसने वंदना को कहा कि बेटा फिर एक काम करो, ऐसी बात है तुम फोर्टिस शालीमार बाग में उनको लेके आओ। जब फोर्टिस शालीमार बाग में वो पहुँचे तो जो अटेंडिंग डॉक्टर था उसने उनकी कंडीशन देखते ही डॉक्टर मणि को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ सीरियस चीज़ महसूस हो रही है, अगर आप आ जाओ शायद मैं अकेला इसको इनको संभाल नहीं पाऊँगा, आप आ जाओ तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर मणि 15-20 मिनट के अंदर सुबह सुबह, जबकि उन्होंने वंदना को ये कहा था कि आज संडे है, मेरा जो असिस्टेंट है डॉक्टर वो संभाल लेगा और मैं मंडे को देख लूँगा, लेकिन जब डॉक्टर ने पोजीशन बताई उनके मुताबिक उनको मैसिव हार्ट अटैक था। लेकिन ऐसी कंडीशन होने के बाद भी बच्चों ने अपने विश्वास, अपनी इच्छा शक्ति जो कि गुरुजी से मिलती है को देखते हुए हॉस्पिटल ऐसा स्टेप लिया और आज सुबह जो मेन आर्टरी थी वो 100% ब्लॉक थी। एंजियोग्राफी करते करते सुबह 7:30 बजे तक डॉक्टर ने स्टेंट डाल दिया और जब मैं आईसीयू में मिलने के लिए गया सीसीयू में तो नवीन का एक ही बात कहने थी कि पापा मुझे आज गुरुजी ने बचा लिया, क्योंकि आप सभी लोगों की काफ़ी लोगों को जिनको पता था इस बात का उनकी एंग्जाइटी, उनका आपस का भाईचारा, आपस का प्यार देखते हुए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आप सब लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दूं और सेटिस्फेक्शन भी आप लोगों के लिए ये सेटिस्फेक्शन की बात है कि अब नवीन बिल्कुल ठीक हैं। और जब मैं CCU में मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आप मंदिर जब जाओगे, मैं कहा मंदिर अभी अंदर किसी को आने नहीं देंगे और हो सकता है कि कल शाम तक डिस्चार्ज भी कर दें या एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन और लें, तो मैं अपने दिल से पूरे भावपूर्ण दिल से परम पूज्य काका जी परम पूज्य गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, वैसे तो गुरु जी का हर आदमी से हर प्राणी से जो प्यार है उसका लेवल अलग अलग है, जिसको जिस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत होती है उसको वही मेडिसिन वो देते हैं। तो दोपहर को जब उन्होंने कहा कि अब किसी को ऊपर नहीं आने के लिए परमिट करेंगे, मैंने वंदना को कहा कि वंदना बेटा यहाँ बैठ के खाना खाने से अच्छा है कि घर चलो, ऊपर वो CCU में तुम्हें जाने नहीं देंगे, नीचे बैठ के खामखा थकावट वाली बात है और
यहाँ कैंटीन का खाना क्या खाना है, घर पे चलो खाना। आशीष और वंदना गुरु जी के दर्शन करने के लिए रुक गए बीच में, तो जो खाने की बात हो रही थी, गुरु जी ने आते ही उनको कहा कि इनको पहले खाना खिलाओ, क्योंकि गुरु जी ने ये तो इमेजिन कर ही लिया था कि ये सुबह 4 बजे से इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, कहाँ खाना खाया होगा, कहाँ चाय पी होगी। तो कितनी संभाल जो गुरु जी हम लोगों की रखते हैं, उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभिषेक ने बोलने के लिए कहा, मैंने अभिषेक को ये भी कहा कि बेटा मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मेडिसिन कुछ है इस टाइप की है, लेकिन फिर भी गुरुजी को धन्यवाद कर देने के लिए शब्दों की तो कमी हमेशा रहेगी, लेकिन गुरुजी मैं आपको अपने पूरे भावपूर्ण हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आपको। जय स्वामीनारायण। पूज्य अभिषेक भाई से प्रार्थना कि वे आज की सभा में महात्म्य दर्शन कराएं। परम पूज्य गुरुजी, दीदी, सूरत स्वामी, अक्षर स्वामी, संकल स्वामी, मैत्री स्वामी, सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण। थोड़े दिन पहले भी राकेश भाई ने कहा था मुझे कि सभा में तुझे बोलना है, तब तो मैंने मना कर दिया कि राकेश अंकल नहीं, अभी नहीं बोलना, बाद में किसी और दिन देख लेंगे। तो फिर सोच ही रहा था कि सभा में क्या बोलना चाहिए, तो उसी दिन हम सब रात को एक दिन बैठे थे आशीष के साथ, तो फिर आशीष भाई ने बोला कि 12 जून को इस बार सभा करने के बजाय महात्म्य दर्शन किसी का रखने के बजाय कि आभार व्यक्त करना सबका, राकेश अंकल को बोल रहे थे कि गुरुजी, सबसे पहले गुरुजी का ही कि पूरा एक महीना शिविर हमारे लिए, इस किताब पे हम सबको छोटी छोटी बातें समझाते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर, कि गुरुजी इतना परिश्रम लेके हम सबको ऐसा कहते हैं कि ऐसा चलें इसके ऊपर। फिर मतलब उस दिन ऐसी बातें चल रही थी कि फिर अक्षर स्वामी को, पुनीत को, शिवम को थैंक्स करने का कि भाई इनकी वजह से बाकी सब भी आज लाइव भी देख पाते हैं या यहाँ सभा में भी कंफर्टेबली सब बैठ के सुन पाते हैं। जब ये किताब पंचम पुरुषार्थ गुरुजी ने हमें दी, मतलब मुझे दी पढ़ने के लिए, स्टाफ पूरे स्टाफ को ही दी थी, तो उस दिन के बाद एक या दो बार शायद पढ़ी होगी, पर वो पढ़ी तो समझ ही नहीं आ रहा था, एक दो चैप्टर जो पढ़े। तो इसलिए गुरुजी आज जो समझाते हैं, तो गुरुजी को भी थैंक यू कि आप हमें समझाते हैं इसके ऊपर। अभी तक जो गुरुजी ने इस किताब में से बातें करी, उसमें से जो मेरे को लगी वो 2-3 बातें मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी ने बताया कि हमें किसी भी भक्तों का अभाव अवगुण देखे बिना इस मंदिर में, मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे इस मंदिर में इस तरीके से सेवा करनी चाहिए कि किसी का भी अभाव ना आए, अवगुण बिगड़ कि भाई वो जो वो कर रहा है और गुरुजी जाने और महाराज जाने, उसमें मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इसी के ऊपर ना एक साहेब जी ने गुणातीतानंद स्वामी जी का प्रसंग बताया था अपनी उनकी बातों में कि सेवा करनार ने आटलू राखवू, ऐसा उसका एक टाइटल था कि गुणातीतानंद स्वामी के टाइम पे एक भगत था, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी तो उसको दोबारा शादी करने का हो रहा था, तो उसको पर इतना था कि मैं स्वामी को जाके पूछूं कि मैं दोबारा शादी करूं। तो वो स्वामी के पास गया, उसने पूछा स्वामी को, गुणातीतानंद स्वामी को, कि दोबारा शादी करनी है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने तो बोला उसको कि अब कहाँ इस दोबारा संसार में झंझट में पड़ता है या मंदिर में रह के सेवा करना, पर उसने बोला कि नहीं नहीं स्वामी, मुझे तो दोबारा शादी करनी है, आप आशीर्वाद दो कि अच्छी वाइफ मिले और ऐसा वैसा। तो फिर स्वामी ने ऐसा बोला उसको कि अभी यह मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो 6 महीने यहाँ सेवा कर, उसके बाद फिर तू दोबारा शादी कर लेना। तो उसने भाई ने बोला कि ठीक है, भगत ने बोला। तो स्वामी ने उसको सेवा सौंपी कि ये सुबह जो सभी मजदूर आते हैं ये सब कंस्ट्रक्शन का सामान तुमसे ले जाएंगे, तो आप गिनती करके उनको दे देना और शाम को गिनती करके वापस ले लेना। ये सेवा दी। और दूसरा बोला कि ये ऐसा वो बाखड़ा जैसा होता है वहाँ पे सोना और मंदिर में खिचड़ी खाना, और दूसरी एक आज्ञा करे कि धुन भजन करने का कि किसी का भी अभाव ना आवे, ऐसी रोज धुन करने का। तो वो सुबह अपनी सेवा में लग जाता और दिन भर वहाँ बाखड़े पे बैठता सोता। तो वहाँ पे आते जाते भगत लोग भी उसके बारे में कई बार बोलते कि ये खाली यहाँ बैठा रहता है, खिचड़ी खाता है, मंदिर की कोई सेवा नहीं करता है, इस तरीके। पर वो उसको सुनाई पड़ता था, पर उसको स्वामी की आज्ञा याद आई कि नहीं, मेरे को स्वामी ने बोला है कि भजन करने का और किसी की अभाव गुण के बारे में नहीं सोचने का। तो उसने ऐसा 6 महीने तक करा तो उसके अंदर से वो सारे राग भी छूट गए। फिर स्वामी ने 6 महीने बाद उसको बुलाया कि भाई आपने शादी के लिए बोला था तो अभी अभी सेवा पूरी हो गई है, तो अभी आप जाओ, आशीर्वाद की तुम्हें अच्छी मतलब घरवाली मिलेगी। तो उसने बोला कि नहीं स्वामी, अब मुझे शादी नहीं करनी है, आपके पास रह के ही सेवा करनी है। तो ऐसा ही कि मतलब हम भी मंदिर में सेवा करते हैं तो कभी भी किसी के प्रति भी अभाव अब उनकी झंझट में ना पड़े। ऐसा ही एक अभाव गुण की बारे की एक और प्रसंग है। एक जगह पे क्या कहते हैं, महंत स्वामी जी इस पे कुछ बोल रहे थे, तो वो ऐसा बता रहे थे कि पहले के ज़माने में सब लोग पंगत में बैठ के खाना खाते थे, 100-100 जने खाना, मतलब कितने सारे जनों को। तो जो पिरसने वाला होता था तो वो झुक के पिरसता था तो लास्ट में उसकी कमर भी रह जाती, इतनी वो सेवा करता था कि भाई उसकी कमर में भी दर्द हो जावे। पर लास्ट में वो क्या करता था, मान लो कोई सी भगत ने ज़्यादा खाया तो वो लास्ट में इतना भी बोले कि सारू खाई जाने से, मतलब कि इतना अच्छा खा लेता है वो। तो महंत स्वामी बोलते भाई खिलाने वाला कोई, सेवा करने वाला कोई, हम खाली इतना भी लेते हैं तो हमारी सारी सेवा जो है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे गुरुजी काका जी कहते थे कि भाई हम 100 कमाते हैं और 1000 गवा देते हैं, ऐसा। तो गुरु जी ऐसा हम कभी ना करें, ना हमारे मन में ऐसा विचार आए कि ये ऐसा क्यों करता है, हम खाली ऐसा रखें कि गुरु जी जाने, महाराज जाने, ऐसी प्रार्थना है। बस गुरु जी आप कोई हमारी नज़र केवल आपके ऊपर रहवे, आप कोई राजी करने की एक भावना रहवे। ऐसे ही गुरु जी ने ना एक बार बताया था कि राजी करने के लिए कैसे। तो एक दिन कुछ बात चल रही थी तो गुरु जी को मैंने बोला कि गुरु जी मैं मंदिर के बाथरूम भी साफ़ इसलिए करता हूँ कि भाई मेरे अंदर की सफाई होवे। तो गुरु जी ने बोला कि नहीं, अंदर की सफाई से ज़्यादा ये भावना रखने की कि गुरुजी को पसंद है इसलिए ऐसा करना है। तो गुरुजी की पसंद रहेगी तो तुम्हारी अंदर की सफाई होगी, वही एक निशान रखने का कि गुरुजी को ऐसा पसंद है, गुरुजी को ऐसा पसंद है, इस तरीके से सेवा करने की। तो बस गुरुजी हमारी नज़र आपके ऊपर ही रहे, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा वर्तन बने, कि हर पल गुरु जी आप कहते हैं कि हर एक चीज़ कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रभु को याद करके करें।
अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुजी स्वामी जी को फ़ोन ट्राई करा रहे थे, तो जिस सेवक को मैं फ़ोन ट्राई कर रहा था वो हमने मैंने कम से कम नहीं तो उसको 15-20 बार फ़ोन ट्राई किया, उठाया ही नहीं, मतलब बेल जा रही थी, वो किसी महासभा चल रही थी या जो भी चल रहा था, तो हमने कम से कम 1.5 घंटे तक ट्राई करता रहा, तो गुरुजी ने फिर दोबारा बोला दोबारा ट्राई करो, तो मैंने बोला गुरुजी वो उठा ही नहीं रहे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो गुरुजी ने बोला महाराज को याद करके फ़ोन दोबारा ट्राई करो, तो जैसे ही मतलब उस टाइम गुरुजी की आज्ञा से मान के महाराज को याद किया तो उन्होंने उसी टाइम फट से फ़ोन उठा लिया। तो मतलब गुरुजी हमें ये सिखाना चाह रहे थे कि हर एक चीज़ प्रभु को याद करके करेंगे तो प्रभु अपना काम सामने से कर लेते, वरना वो जो 15 बार किया खाली उंगलियाँ और बटन ही घिसे फ़ोन के। तो बस गुरुजी आपको ही आपकी स्मृति में ही खोए रहे हैं, आप प्रभु आपकी मूर्ति में खोए रहे हैं, ऐसी प्रार्थना है। एक भजन की लाइन भी है ना कि आपने याद करवा ए शुद्धि ना पाठ छे, ऐसा करके एक भजन की लाइन है गुरुजी, आपने याद करवा ए शुद्धि ना पाठ छे करके एक भजन की लाइन है, महंत स्वामी जी के ऊपर बना हुआ है वैसे, पर हम तो यही चाहते हैं कि गुरुजी बस आपके अंदर खोए रहेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा बस। और दूसरी प्रार्थना ये भी है कि गुरुजी हम सब एक होके रहें, आपने एक बार संकल्प स्वामी को जब उनके बर्थडे पे लास्ट माला दी तो उनको बोला भी, आज वैसे संकल्प स्वामी की बारी थी, पर संकल्प स्वामी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो संकल्प स्वामी ने मना करा, तो फिर मुझे बोला, तो बस गुरुजी उस ऐसी प्रार्थना है कि हम सब एक होके आपको राजी करने के लिए इस मंदिर में सेवा सरबरा जो भी आप जैसा आप चाहते हैं वैसा करते रहें, हर एक की, भक्तों की, संतों की, आपकी। दूसरा, जब अपनी ये शिविर चलती है तो मतलब गुरु जी से हमने सुना भी है कि ये शिविर में कोई ना कोई हर बार नया व्यक्ति जो है वो जुड़ता ही है, जैसे पहले बताया था कि पवन जी भी इस शिविर में आना शुरू हुए तो वो मंदिर से कुटुंब भाव से जुड़ गए, ऐसे ही अभी संदीप जी आ रहे हैं, तो कल वो कुछ डोसे की बात चल रही थी तो फिर दीदी ने भी बात करी कि गुरुजी उनको बात कर रहे थे दीदी संदीप जी को कि गुरुजी ये जो सब करते हैं ये हमें स्मृतियां देने के लिए करते हैं, उनको खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं है, तो दीदी भी ऐसी छोटी छोटी मतलब रेगुलर बात के अंदर हमें मर्म दे जाते हैं कि इनकी खाली गुरुजी की स्मृति में ही खोए रहो, यही हमें करना है ऐसा। तो दीदी ऐसी आप सूझ देते रहना। दूसरा, आज इस महीने में 2 नए मुक्त भी गुरुजी जिन्होंने बर्थ लिया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, एक तो आज सुबह अर्पित पापा बना है, अर्पित और दूसरा शिल्पा दीदी जो हैं उनको भी बेटी हुई है, तो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करने और आपसे महाराज से प्रार्थना भी करने की इन का सबका संबंध आपके साथ और दीदी के साथ रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की। आज इसने एक बहुत अच्छी बातें लिखी है कि भाई सेवा, ये सारा जो विकास होता है भीतर का बाहर का सब वो सेवा से होता है। मैं पिछले वीक शब्द यूज कर रहा प्रायोरिटी प्राथमिकता किसको देनी, उसी के बारे इसने खूब अच्छी तरह लिखा है। तो आज मैं कहता पारायण में राकेश भाई यहाँ बैठ के वो ही पढ़े, कोई ना कोई बैठे हैं, कहीं जरूरी कि धोती पहन के ही बैठने हैं। सजान स्वामी महाराज की जय। पूज्य आरपी गुप्ता जी को प्रार्थना के व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य राकेश भाई का पूजन करें, हार अर्पण करें।
श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधानिजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयम् त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमोशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगगयुक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं चपतोरमाया। सजानन स्वामी महाराज की जय। जय श्री स्वामी नारायण। अक्षरम अहम प्रगट पुरुषोत्तम स्वरूपमस्य दासोऽस्मि। 24 जुलाई 2017 सोमवारे अमारी ईसी कमिटी नी मीटिंग नो समय थई गयो हतो। ईसी कमिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी 24 जुलाई 2017 सोमवार को हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग का समय हो गया था, पण पूज्य दिलीप भाई हजू आया ना हता। लेकिन पूज्य दिलीप भाई अभी आए नहीं थे। 10 मिनट बाद या तो सीधा हिंदी ही बोलते जाओ। 10 मिनट बाद वो आए, तब उन्होंने कहा कि अभी हमारा बेटा चैतन्य संघाणी जो आनंद जिले में कलेक्टर है उसका फोन था, इसलिए थोड़ी देर हुई उसको फोन अटेंड करने में। वो कह रहे थे कि अतिवृष्टि के कारण बनासकांठा विस्तार में अभी अभी वहाँ बारिश खूब गिरा है। बारिश खूब होने के कारण बनासकांठा जिले में सब जगह पूरा पानी पानी हो गया है। ऐसी परिस्थिति हो गई है और इस कारण उस पूरे जिले में हरा जो है दुष्काल पड़ा, दुष्काल अतिवृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण सब जगह पानी है और खाने की प्रॉब्लम है। इस तरह का दुकाल जैसी परिस्थिति हो गई है। तो बाढ़ग्रस्त इलाके में भक्तों की मदद के लिए अनुपम मिशन से करीब 1000 फूड पैकेट की ज़रूरत है। जरूरत के वो कलेक्टर ठहरा ना और अनुपम मिशन के साथ अटैच्ड है, उसने अपने पन से कहलवा दिया कि भाई 1000 पैकेट मिशन में से भी बनवा के भेज दो। हमारी कमेटी के सब सदस्यों ने ऐसा मत सबका आया कि करीब एक व्यक्ति को 100 ग्राम मीठी बूंदी और 100 ग्राम गांठिया इस तरह का जो है पैकेट बना के भेज, पैकेट बना के 200-250 ग्राम भेजा जाए, पैकेट बन जाए, ऐसा तुरंत निर्णय लिया।
तो जहाँ पर रसोई बनती है उस जगह का स्थान का नाम है योगी प्रसाद। हम वहाँ हमेशा नहीं खाना खाने नाश्ता करने जाते हैं। हाँ। अनुपम मिशन में तो ऐसा निर्णय लिया गया कि योगी प्रसाद में ही 100 किलो बूंदी और 100 किलो गांठियाँ वो बनाया जाए। गांठियाँ और बूंदी ये बनाने का काम पूरी रात चला। सारी मिलिट्री वहाँ की जो थी वर्कर्स वो सारे लग पड़े। हाँ, कार्यकर्ता जिसको कहे स्वयं सेवक, डेडिकेटेड सेवक लोग। हाँ, 25 जुलाई की सुबह बूंदी और गांठिया दोनों तैयार हो गए। 25 जुलाई की सुबह। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अब पैकेट कौन करे। हाँ, पैकिंग कौन करे, पैकेट। हाँ, पैकेट कैसे कहाँ बना रहे, क्योंकि ये तो सारी रात जगे हुए। हाँ, पूज्य दिलीप भाई और पूज्य गिरीश भाई वहाँ पर मिशन में गए होंगे। हाँ, तो रसोई के अंदर एक गिरीश करके लड़का रहता है, काम करता रहता है, मतलब काम करता रहता है। हाँ, तो वो दोनों ने विचार किया, उन दोनों ने मिलके ऐसा सोचा कि मोगरी विद्यानगर में रहते युवा गृहस्थ बहनें जिनका नाम है पूज्य मुन्नी बहन शाह, पूज्य प्रीति बहन पटेल, पूज्य दीप्ति बहन चपला, पूज्य मीना बहन राणा, पूज्य प्रीतम बहन पटेल, पूज्य निकिता बहन टेलर अने पूज्य पारुल बहन, जो सारे योगी प्रसाद के ऐसे अक्षर मुक्त हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। हाँ, वो कहीं भी कोई काम हो वो इन्होंने क्या ही रखा है, हमें बुला लेना, जिनसे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं सेवा के लिए। गुजराती में लिखा हुआ है बढ़ता अंगारानु छोरू समान अक्षर मुक्तो छे, ते ऊपर दृष्टि गई उनकी तरफ, इनको बुला गई। हाँ, ये काम में आज आ जाएंगे के। हाँ, शास्त्री जी महाराज के समय में आधी रात को भी अगर कोई हरिभक्त आ जाता तो उसकी सेवा कौन करे। तब शास्त्री जी महाराज की दृष्टि एकमात्र योगी जी महाराज के ऊपर जाती और सामने योगी जी महाराज भी वैसे ही उनकी आज्ञा को झेल लेते, कभी ना नहीं करी और कभी मौली बात भी नहीं की। मौली बात ना, ढीली बात नहीं करी कि स्वामी अभी और किसी को बात करो ना, मैं तो पूरा दिन का थका हुआ हूँ। अहो, ये सेवा मेरे नसीब में, दोनों चीज चाहिए। हाँ, हमारी एटीट्यूड ही संत के साथ मंदिर के साथ ऐसी होनी चाहिए। हाँ, कि वो संतों को मन होवे इसको कह दो। हाँ, बाकी हमारे एटीट्यूड ऐसी नहीं हो तो संत सामने से ये भी कहेंगे नहीं तुम जाओ घर पे जाओ, थके हुए होंगे आज। हाँ, देखो यहाँ फर्क पड़ जाता है। मैं मानता हूँ अपने मंदिर में ऐसे ही सेवा हुई है। हाँ, ये 103 में आप लोगों ने देखा नहीं है। हाँ, लेकिन सभी ने इसी तरह सेवा करी है। ये मैं पढ़वा रहा हूँ इसलिए कि वो जो सेवा हुई है, वो जो नई जो नया जनरेशन आया है इन्होंने देखी नहीं है। हाँ, इसलिए वो कंफर्ट की अपेक्षा रखते हैं। हाँ, पर सेवा इस तरह कसनी में रह के करी हो। हाँ, आज आर्टिकल भी आने वाला था कसनी। हाँ, वो सेवा महाराज को और कसनी में रह के बड़बड़ाहट करते हुए नहीं। हाँ, मजबूरी में नहीं। ओ हो, अगर हम नहीं करेंगे तो स्वामी तो समर्थ हैं, काका जी तो समर्थ है, देवी देवताओं को भेज के भी सेवा तो करवा लेंगे, मंदिर का काम अटकने वाला है नहीं। हाँ, इसलिए सेवा को लूट लेने की भावना से उस समय करी थी सबने, ये दालिया साहेब वचराज सब। हाँ, वो चीज़ बरकरार रह गए। बस अब तो नए करने वाले आ गए, अपनी क्या जरूरत है। वो फिर हम चुप जाते हैं,
भले नए करने वाले हजार आ जावे, हाँ, लेकिन हमारा उमंग, हमारा उत्साह, हमारी श्रद्धा ऐसी ही बरकरार रहनी चाहिए। वचनामृत में नहीं लिखा महाराज ने कि मैं आज ही सत्संग में आया हूँ, वो इसी में भी लागू होती है। हमने तो बहुत सेवा जब करनी थी तब कर ली, अब तो नए को चांस दें, ये बात गलत है, ये सोच ही पूरी गलत है। हाँ, जीवन के आखिरी दम तक हमें ये भावना बरकरार रहनी चाहिए। जो मैंने सुना ना, काका जी हॉस्पिटल में आखिरी दिन वो गिनते रहते थे, बात बोलते रहते थे मन में, हाँ, कि बापा ऐसे काम सौंपेला, हाँ, एक काम बाकी रह गयू, एक काम बाकी रह गयू। देखो ये एक भावना, हाँ, उमंग होनी चाहिए कि बापा की कोई काम, संतों का दिया हुआ कोई काम हमारे से मिस ना हो जाए। हम क्या कर लेते हैं, चलो अभी तो अपने नहीं है, अभी सो जाना है, ये लोग बाकी का निपटा ही देंगे, गलत बात है। शास्त्री जी महाराज की नज़र हमेशा योगी जी महाराज के ऊपर जाती जाती, और सामने से योगी जी महाराज भी हमेशा उनकी आज्ञा झेल लेते और कभी ढीली बात नहीं करते। हाँ, संतों की नज़र हमारी तरफ ही रहे, इसको बुला ले, और हम भी ऐसे उमंग से तैयार ही रहे कि पहुंच ही जाना है, बुलाने की क्या ज़रूरत है। ओहो, ये सेवा मेरे नसीब में थी नहीं, ऐसा मन में कहा करे जो भगवान ने ये सेवा भेजी है, भेजी है, अभी मैं नहीं करूँगा तो दूसरे देवता सेवा करने के लिए तैयार ही हैं। सेवा मेरे न जाने से अटक जाएगी, उस बात में तो कोई माली नहीं है। हाँ, काम अटक जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, ऐसे तो योगी जी महाराज को ऐसे किसी ज्ञान को आत्मसात करने की जरूरत नहीं थी। स्वामी जो इस तरह जिए हैं, इनको ऐसी कोई साधना करने की जरूरत नहीं थी, पर हम इस राह पे चले इसलिए स्वामी ऐसा जिए। हाँ, लेकिन हमारे सबके जीवन में सेवा के लिए ऐसी भावना स्थापित हो, ऐसी योगी बापा जी की इच्छा थी। पूज्य मुन्नि बहन, पूज्य प्रीति बहन और उनकी टीम के 100 मुक्तों का महिमा थोड़ा हम जान लें। जान लें कि ऐसे जिस पे अधिकार कर सके ऐसे ये मुक्तों हैं। अब वो किस तरह करिए सेवा, हाँ, वो सुनो। उन सबके अपने परिवार हैं, हाँ, अपना कुटुंब है, हाँ, कि मंदिर में टोटली क्या ना विरक्त हो के निवृत्ति लेके रहते हैं ऐसा नहीं है, हाँ, फैमिलीज में रहते हैं। हाँ, पति है, संतान है, बूढ़े माँ बाप या सास ससुर हैं, वो सब घर की सेवा एडजस्ट करके, घर की सेवा एडजस्ट करके माना किसी को थोप दे के नहीं, हाँ, अपना टाइम निकाल करके सेट कर लेते हैं। हाँ, घर की सेवा एडजस्ट करके रोज सुबह रोटी बनाने के लिए योगी प्रसाद में आए, डेली आ जाते हैं रोटी बनाने के लिए। हाँ, और फिर दोपहर दोबारा थेपला या रोटला करने के लिए आए, फिर दोपहर को भी आवे, घर का काम नहीं होगा वो भी जल्दी उठ के कर लेते हैं। हाँ, जैसे अपने यहाँ ये ममता वगैरह करीब रहते हैं, आ ही जाते हैं। हाँ, सारे साल के गेहूं आए हुए हों तो उसके बड़े बड़े ढेर के बीच में सर पे रुमाल बांधकर साफ करते हो, वो भूसा बालों में न जाए इसलिए सर पे रुमाल बांध के फिर गेहूँ साफ कर लेते हैं, ऐसी सेवा में भी तैयार तैयार। सारे साल के पापड़ या पापड़ी उसको बनाकर सुखाने करने की सेवा के लिए पूरी प्रक्रिया के लिए कई दिनों तक वो
सेवा जब तक पूरी ना हो तब तक वो सेवा के लिए भी तैयार, अचार बनाने हो या सीजन में कंतन को क्या कहते हैं, बारदान नहीं, वो रस के लिए बांधते हैं ना, हाँ वो टाट टाट अपने सीजन में, मैं कहता हूँ मशीन में रस नहीं बनाना, हाँ कंतान बांध के घिसो, हाँ तो वहाँ भी मशीन है लेकिन हाथ से घिसे हुए रस की मिठास अलग होती है। अचार बनाने हो या टाट बांधकर सीजन में आम का रस निकालना हो उस सेवा के लिए भी तैयार तैयार। कई हरि देखो पहले बता दिया कि घर का काम पूरा सेट करके, हाँ ऐसा भी नहीं कि चलो वहाँ सेवा करते हैं तो वहीं खाना खा लेंगे, हाँ अरे गार्गी वगैरह की नीयत ऐसी होती है, मंदिर में आए हैं ना मंदिर में ही खाना खा लेंगे। कई हरिभक्त मंदिर में उनके संतान के शादी या मरण के बाद महापूजा होती है, ये बात भी समझने लायक है। सब अपना परिवार आत्मीयता का है ना, किसी की शादी किसी का मातम तो मंदिर में ही सेट कर लेते हैं, वहाँ महापूजा करवा लेते हैं। तो इनके साथ जो आए हो इन सबको नाश्ता कराना, तैयारी फटाफट कर लेनी। देखो हर जगह गुणातीत समाज का आत्मीयता से मंदिर जो सेंटर्स चल रहे हैं हर जगह भावना रीतो रसम एक ही है, खानदानी अपनी एक ही रहती है। हाँ हरि भक्त मंदिर में ये हम भूले नहीं इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि ये अपनी चीज बरकरार रखनी है। हाँ और ये सब कहाँ से सीखे हैं, ताड़देव से, काका जी के पास से। ये ज्योति बहन तारा बहन देवी बहन हंसा दीदी वगैरह को हमने देखे हैं इस तरह काम करते हुए। हाँ हरिभक्त मंदिर में उनके संतान की शादी हो या किसी की मृत्यु के उपलक्ष में महापूजा करवाएं या फिर श्रावण मास में समूह महापूजा हो तब बड़ी संख्या में उनके परिवारजन आते हैं। सारे 25-30 जने लेके आ जाते हैं कि हमारी रसोई है, हमने महापूजा करवाई है। जैसे गाजियाबाद से आवे, ईटेड़ा वगैरह से आवे, मना थोड़ी कर पाएंगे। तब बड़ी संख्या में उनके परिवारजन आवें तो उनको परोसने की सेवा के लिए, सफाई की सेवा के लिए भी तैयार। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें समझ कर हमें कुछ दूसरों पे सेवा थोपनी नहीं चाहिए, जितना हो सके इतना हम उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे एक लगन रख करके अपनेपन से। अनुपम मिशन संस्था में, अनुपम मिशन संस्था का ब्रह्म ज्योति कैंपस वो कोई पार्टी प्लॉट नहीं, हाँ वो कोई पार्टी प्लॉट है नहीं कि हर चीज़ तैयारी होती है, वहाँ ऐसे वेटर्स रखे हुए हो, हाँ या ऐसे कुक तैयार रखे हुए हो, ऐसा नहीं है। पार्टी ऐसे जब पार्टी प्लॉट जहाँ होती है, हाँ ये यूनिट जहाँ ऐसा बना होता है वो सब ऐसा तैयार रखेंगे कि भाई कभी भी कोई आता है अपने वेटर्स तैयार होंगे, सफाई करने वाले लड़के तैयार होंगे, वो तो जो मंदिर का स्टाफ है वही करता रहेगा। अनुपम मिशन हाँ। संस्था का ब्रह्म ज्योति कैंपस कोई पार्टी प्लॉट नहीं, पार्टी प्लॉट नहीं है कि जहाँ बाहर जैसे किसी प्रसंग की ऑर्गेनाइज हो सकता हो वैसा यहाँ हो पाए। हाँ। क्योंकि इनके पास सारी इक्विपमेंट तैयार रखी होती है। यहाँ प्रसंग पे जो परोसने के लिए व्यक्ति आते हैं वो कोई वेटर नहीं, वेटर नहीं होता पर बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसी परोसने के लिए सेवा में वो तैयार तैयार रहते हैं कि मंदिर में जिस समय जो भगत होंगे कि चलो भाई अच्छा अचानक आइए आ गए हम कर ले। हाँ जैसे मैं देखता हूँ कई बार ये
राजेश वचराज सब जो यहाँ रात को कई बार रहते भी है, काम पे लग ही जाना पड़े। हाँ, ग्रीष्म नवीन भाई खास करके। हाँ, ग्रीष्म शिविर हो तब, ग्रीष्म शिविर माना समर वेकेशन, गुजराती में लिखा है, प्योर गुजराती। ग्रीष्म शिविर समर वेकेशन, समर सेमिनार, तब 8 से 10 दिन तक रोज रोज 700 से अधिक भक्त खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, तब सब प्रकार की सेवा वो सब प्रकार की सेवा में जो बढ़ती हो किसी भी तरह की सेवा वो करने के लिए तैयार। हाँ, कौन ये जो मंदिर का स्टाफ होता है, ये जो बहनों का नाम दिया हम, मोगरी की जो डेडिकेटेड जैसी अपनापन से मंदिर में जुड़ी हुई, अनुपम मिशन से जुड़ी हुई, वो आई जाती है कि भाई अपनी वहाँ शिविर चलेगी, जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्तन धोने के लिए और उसको पोंछ के रखने के लिए सेवा में जो निकट के गांव से मैया लड़कियाँ या बहनें आती हैं वो ना आवे, वो किसी कारण से ना आ पाए, वो ना आए हो, वो ना आए हो। हाँ, तो रोज बर्तन धोने की पोंछने की, ये तो बहनों कर ले से, ऐसा नहीं। हाँ, शारदा भाभी को आ ही जाना चाहिए अपने आप, शोभना भाभी को फट से उतर जाना चाहिए। हाँ, बर्तन धोने की पोंछने की सेवा के लिए तैयार तैयार। ये देखा होगा तब लिखा होगा ना, अपने आप तो नहीं लिखा होगा। हाँ, योगी प्रसाद के कॉम्प्लेक्स में अंदर डाइनिंग हॉल से लेके सब जगह झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार। अपना डाइनिंग हॉल कितना है वहाँ ना, करो देखा हुआ है ना, बहुत बड़ा है। यहाँ से कम कम से कम अपना जो डाइनिंग हॉल है इसे 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, उसकी पोछा ये वो। सर्दियों में कभी शाम को भोजन में कड़ी, लीलवानी कड़ी, हाँ वो मैंने नहीं कहा था, तुअर अरहर की, हरी अरहर की कड़ी, हरी अरहर की कड़ी या भिंडे की, भिंडी की कड़ी हो, हाँ, या पकोड़ा कड़ी हो, तो सभी संतों को भक्तों को गरम गरम रोटला बना के देने की सेवा हो। हाँ, अचानक साहब का ऑर्डर जाता होगा, मैं ये ऐसा बनाया है तो साथ में रोटला बना दो। हाँ, तो घंटों तक, घंटों तक सबकी इच्छा और टेस्ट के हिसाब से, हंसते चेहरे से, रांध घाट के नहीं, इनको ऐसा पसंद आएगा, फलाने को नमक डाल के रोटला पसंद आएगा, फलाने को नहीं बिना नमक का पसंद आएगा, तो ऐसा आटा अलग करो भाई। हाँ, सबकी इच्छा और टेस्ट के हिसाब से, हंसते चेहरे से, हंसते चेहरे से रोटला बनाने की सेवा के लिए तैयार। हाँ, तैयार। जब शाम को खाने में पिज्ज़ा हो, पिज्ज़ा हो तो उसका टॉपिंग करना फिर, तो उसका जो पिज्ज़ा बेस है उसके ऊपर चीज़ और दूसरी चीज़ का टॉपिंग लगाना हो। भाई कौन आया था, मैंने याद भी रखा था कि उसे कहना है थोड़ी चीज़ ला दे, आया जय स्वामीनारायण करा तब मुझे हुआ भी कि साउथ दिल्ली से आया वहाँ मिल जाएगा उसे। कौन था, मोहित कर तो नहीं, नहीं नहीं मोहित नहीं, मोहित आया ही नहीं तो कहाँ से, आया था तब मैंने। तू भी यार काल्पनिक बातें बहुत करते है, उससे आप मंगाते रहते हो। पर वो आया था, मैंने बोला कौन, हाँ ये चश्मिस, इसका पापा को देखा था, कहाँ गया वो। हाँ, ये थोड़े पिए वो ला देना चीज़ कि मिसिस को कह दूँ, इनको कह दूँ, क्या कह रहे ले आएंगे, तो कब आएगा, कल मंडे को आते हैं हम। हाँ, बस 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 आ जाऊंगा के। पिज्ज़ा बेस के ऊपर चीज़ और दूसरा टॉपिंग लगाने के लिए
दोपहर को आ जाएं, दोपहर को ऑर्डर आ जाता है कि भाई शाम को पी जाएं, उसका सेटिंग करना है, दोपहर को आ जाओ। योगी प्रसाद में जो रोज इस्तेमाल की जाती है वो प्लास्टिक की कुर्सियाँ, रसोई हो या टॉयलेट ब्लॉक हो, साफ तो, करो प्लास्टिक तो उसकी भी सफाई के लिए तैयार। किसी सेवा में ना नहीं, किसी से कौन, ये 5-7 बहनें बताई उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जिनका स्टाफ तो है ही है, हाँ, अड़ोस पड़ोस वाले, जैसे यहाँ शोभना भी है, छाया है, शारदा है, सरोज है, जिनके यहाँ नाम लिखे हैं, हाँ, जिनके यहाँ नाम बोले हैं, उसके उपरांत भी और बहनें आती होंगी जो कभी कभी सेवा में आते होंगे, वो यहाँ भी सेवा करे, घर का भी निपटावे, लेकिन खाना अपने घर खाएं। हाँ, ये ध्यान रखो भाई, मुद्दे की बात आई। हाँ, नहीं भाई, अपने यहाँ भी ऐसे करते हैं, रोटी ले आते हैं, हाँ, साथ साथ सब्जी भी ले आओ तो। वो अपने घर की सेवा करके, घर की सेवा करके योगी प्रसाद में, ये एक परिवार है, जो ये बात करता हूँ, कहने का मकसद वो है, हाँ, योगी प्रसाद में समय के समय से आ जाते हैं, समय से आ जाते हैं, उसकी रहमत देखा करो, तब ये ख्याल आता है कि इन बहनों को केवल भगवान और साहेब दादा और सदगुरु संतों को राजी करना है, उनको और कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी करो भाई, काका जी राजी हो जाने चाहिए। शरीर की शक्ति की भी एक सीमा है, शरीर की ताकत की भी एक सीमा है, ए मैं कमर दुखे थी, हाँ, कमर दुखे थी, वो फिर सीमा के अंदर रहे। शरीर की शक्ति की एक सीमा है, उसको भी पार करके ये बहनें सेवा करती हैं, हाँ, नियमित सेवा में मानो ताकत से बाहर सेवा करती है, जैसे मैं आज कितने दिनों से बिना चप्पल तलिये घिसता ही रहता हूँ ताकत से बाहर। नियमित सेवा में तो बिना बुलाए आ जाते हैं, रेगुलर सेवा में तो आ ही जाते, ये तो एडिशनल लोड है, पर जब अचानक संजोग ऐसे बनते हैं, जब मलकानी अंकल हो तो क्या बोले पता, अनाचक, अचानक को बोलते हैं अनाचक, ये भी मुक्तों की स्मृति होनी रहनी चाहिए अपने को, ये क्या ना चारा परवानी बात नहीं थी, मुझे अचानक कोई भी बोलता है तो मलका नहीं याद आ जाते हैं, मलका नहीं हुए तो बोले अनाचक। जब भी पूज्य गिरीश भाई का फोन जाए, हाँ, तब मंदिर को प्रायोरिटी देके, मंदिर को प्रायोरिटी देकर सेवा में आना इतना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता है, तब भी आ जाते हैं, बहानेबाजी नहीं बताते हैं कि घर पे मम्मी बीमार है, हाँ, आज मैं नहीं आऊँ तो चलेगा, हाँ, मम्मी की टांग खड़ गई है, घर में और तो कोई है ही नहीं, तो आज मैं फ्राइडे को नहीं आऊँ, सैटरडे को आ जाऊँगा तो चलेगा, ऐसे नहीं कहते, मम्मी का सेट करके, और दूसरे है घर पे ना, वो तो बात अलग है, ये काम चोरी की बातें हैं, चलो, या आप लोग सुन के समझो, हाँ, ऐसे ना समझे गुरु जी टोने मार रहे हैं, हाँ, अपनी शॉर्ट कमिंग को पकड़ लेनी चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी ने, हाँ, मंदिर में आने वाले भक्तों के अनेक प्रकार बताए हैं, अनेक प्रकार, हाँ, उसमें उत्तम भक्त उनको बताया है, हाँ, जो मंदिर में मालिक बनके जीवन मालिक बनकर जीते हैं, हाँ, हम भी मालिक बनकर जीते हैं, वो मंदिर की बात, मंदिर को उपभोग के लिए, हाँ,
अपना मंदिर है भैया, हम नहीं करें खाएंगे तो कौन खाएगा। यहाँ पर मालिक बन के मंदिर का उपभोग करते हो उनकी बात नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन अनुष्ठान स्वामी ने मंदिर का मालिक बन के रहने की जो बात करी है वो मंदिर की चीजें बस अपना ही है ना, मंदिर तो अपना ही है। मैं तो सुबह भी देखता हूँ भाई, तुम लोग रात को सोते हो अपनेपन से सोते हो, हाँ उठ के सीधे चले ही जाते हो। मैं फिर देखता हूँ कि बाद में ये लक्ष्मी है, अभिषेक है, मैत्री है, वो सब के बिस्तर उठा के अंदर रखाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी अपनी आदत है तो मेरी तरह रखो, मैं नहीं उठा सकता था बिस्तर, मैं पहले से कहता हूँ ना, कई बार बात करी है, मैं बिस्तर पे सोता ही नहीं था, ये दरी लगी हुई है आराम से सो जाओ, हाँ मैंने चाहिए बिस्तर और उठाना नहीं, हाँ ये कोई बात है। हाँ एकदम अनुकाका की तरह बुजुर्ग हो तो बात अलग है, वो बात अलग है। हाँ यहाँ मालिक बन के मंदिर का उपभोग करने की बात नहीं है, बात नहीं है, लेकिन जो मालिक बन के मंदिर में सेवा करते सेवा। हैं ऐसे परम भक्तों की बात, हाथ बटोरने की बात है। हाँ सेवा तन से धन से करो वो बात नहीं है, हाथ बटोरो अपनेपन से करो। हाँ ये यहाँ अक्षय ज्योति में भी ये बात समझे। भगवान का धाम गुणातीत, भगवान का धाम गुणातीत है और सबको गुणातीत करने की बात याद करें। हाँ तो यहाँ सेवा में आते सभी बहनों को अन्य स्थानिक मुक्त हों सेवा करने के बाद यश मिले कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ महाराज को तो अपने को ब्रह्मरूप करना ही है, इतनी सेवा करने के बाद भी अगर तुम्हारी कोई टीका चर्चा करे, हाँ ये खाने बैठते हो तो बड़ी तगारी मेरी, हाँ और काम करने में बस दो तीन दिन ढूंढ के चले जाते हो, साफ बरोबर ठीक से नहीं कर पाते हो, ये पोछा लगाए वो देख जरा ऐसे टीका भी हो गए। हाँ तो कहते हैं जस पे जुतिया। सेवा करने के बाद यश मिले कि नहीं, नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। यश तो एक तरफ रहा लेकिन अगर टीका चर्चा करे, सामने ना देखे, सेवा करी हो, ये बात अपने एग्जीक्यूशन में फिर से लावे इसलिए होती है। हाँ बस सुनो भाई, यहाँ बैठे हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही, क्या दूसरों के लिए है, हमने तो बहुत सेवा करी है पहले। हाँ हाँ सेवा करी हो उसके उसको कोई बिरदावे नहीं। हाँ बिरदावे नहीं, बिरदाने की तो बात ही अलग दो, टीका चर्चा करें। उसको कोई गिने नहीं, गिने नहीं तब दावे नहीं यानी बखान न करे। तब तब केवल साहेब दादा और सदगुरु संतों की तरफ नजर रखकर कह चलो कोई ना करते, हमने तो साहेब को राजी करने के लिए सेवा करी, ऐसी एक भावना रखी हो और उसमें निर्दोष भाव दिव्य भाव रखकर सदा सेवा करना आसान नहीं है। हमें फिर वो माना सेवा, मैं जो शब्द यूज करूँ बरकरार रखना आसान नहीं है। हाँ भगवान को राजी करने कहाँ तक करा करें, इन लोगों को तो की कदर तो है ही नहीं अपनी, कितना ही ढसड़ा करो। हाँ भगवान को राजी करने की अदम्य इच्छा हो, अदम्य इच्छा हो और आत्मा में खूब बल हो, आत्मा में बल हो तो ही इस भावना से संसार में रहते हुए मंदिर आकर, मंदिर आकर संसार में रहते हुए मंदिर आकर के इतनी सारी सेवा हो सकती है। हो सकती है।
जब भी कोई समैया या उत्सव हुआ हो तो इन बहनों ने कभी भी किसी सभा मंडप में जाकर सभा अटेंड नहीं करी। ऐसे समर्पित भक्तों को क्या कभी ऐसा नहीं होता होगा कि हम भी सभा में जाएं कि आज आराम करें? क्या कभी परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का विचार नहीं आता होगा? परिवार के साथ घूमने जाने का विचार नहीं आता होगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि शारीरिक हेल्थ अच्छी ना होने के बावजूद उसी समय गिरीश भाई का सेवा के लिए फोन आवे, तब ना जाने का विचार नहीं आता होगा? ये सारे क्वेश्चन पूछे। हाँ। पर देह के भाव से ऊपर उठकर हंसते चेहरे से सेवा में पहुंच जाते हैं, ये उनकी महानता है। ऐसे भक्तों के समर्पण भाव को वंदन करते हैं। शिविर समैया उत्सव में योगी प्रसाद के सब तरह के आयोजन में पूज्य गिरीश भाई के साथ पूज्य डी आर पटेल, रेणुकाबेन, पूज्य हरिभाई और पूज्य लताबेन अद्भुत सेवा करते हैं। मंदिर में आकर गर्जू बनकर ऐसी सेवा करने वाले, गर्जू बनकर, ये बात शब्द खूब ध्यान रखने चाहिए इसे। मंदिर में अपनी गरज से, मंदिर में जरूरत है इसलिए नहीं, पर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी सेवा चली जाएगी। मंदिर में आकर गर्जू बनकर ऐसी सेवा करने वाले भक्त सर्वांगी सुखी रहे, ऐसी ठाकुर जी और परम पूज्य साहेब दादा के श्री चरणों में प्रार्थना। यहाँ मुन्नीबेन या प्रीतिबेन, डी आर पटेल या हरी भाई की बात लिखी है, लेकिन उन तक ये बात सीमित नहीं है। सभी ऐसे हैं, पर ऐसे भक्त हर सेंटर में हमारे आसपास हैं। जिनकी तरफ दृष्टि करेंगे तो उनकी ऐसी सेवा का दर्शन होगा। चलो, सहजान स्वामी महाराज की जय। एक भजन गा लो। सहजान स्वामी महाराज, जुगो जुग जीव जो प्यारा, योगी मारी आँख ना तारा। जुगो जुग जीव जो प्यारा, योगी मारी आँख ना तारा। भक्तों ने हृदय वसनारा, योगी मारी आँख ना तारा। भक्तों ने हृदय वसनारा, योगी मारी आँख ना तारा। बाल तिलक ने चांदलो मोटो पागड़ी आटादार, बाल तिलक ने चांदलो मोटो पागड़ी आटादार। भाव भरेलू मुखड़ू योगी शोभानो नहीं पार। भक्तों ने मन गमनारा, योगी मारी आँख ना तारा। भक्तों ने मन गमनारा, योगी मारी आँख ना तारा। जुगो जुग जीव जो प्यारा, योगी मारी आँख ना तारा। गातड़ियों लई गाट जवाड़े वातो करता जाय, गातड़ियों लई गाट जवाड़े वातो करता जाय। भान बुलावे देहनु योगी, भान बुलावे देहनु योगी। आनंद आनंद थाय भक्तों ने प्राण थी प्यारा, योगी मारी आँख ना तारा। भक्तों ने प्राण थी प्यारा, योगी मारी आँख ना तारा। बीचण बांधी कागड़ लखे अक्षर न ओढ़ खाय,
अक्षर बांधी कागड लखे अक्षर ना ओळखाय भाव भरी ने जो जुए योगी भाव भरी ने जो जुए योगी भ्रमणा भांगी जाए घट घट मारम नारा योगी मारी आँख ना तारा घट घट मारम नारा योगी मारी आँख ना तारा जीव कैक ने शरण लीधा आपी गुणातीत ज्ञान जीव कैक ने शरण लीधा आपी गुणातीत ज्ञान जोई तमारी मूर्ति योगी जोई तमारी मूर्ति योगी भूलो छे वल्लभ भान गाऊं छू गुण तमारा योगी मारी आँख ना तारा गाऊं छू गुण तमारा योगी मारी आँख ना तारा जुगो जुग जीव जो प्यारा योगी मारी आँख ना तारा जुगो जुग जीव जो प्यारा योगी मारी आँख ना तारा सज्जनंद स्वामी महाराज की जय। सभा का समापन करेंगे विसर्जन प्रार्थना से। इसी जन्म